हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप। मु प्रताप कुमार विश्वाल आप समस्त स्वागत करुच्चे मोर आग न दमदार भिड को। आज आम कौन आलोचना करवा ना गंग डायनेस्टी पार्ट नंबर टू। या पूर्व ऑलरेडी मु पार्ट नंबर वन आलोचना कर सारी। पार्ट नंबर वन में आम अनंग भीमदेव तृतीय पूर्व राजराजदेव थार्ड थी पर्यटन आम आलोचना करते यही पार्ट में आम कौन आलोचना करवा अनंग भीमदेव थार्ड अंगेत आरंभ करतेटार पर्यंत ना भानुदेव फोर्थ जो गंगड़ा नेष्ट शेष राजा से पर्यटन आम आलोचना करवा। तो एथिरु एया हमें जान ले जो पार्ट नंबर टू रे हमें टोटली रूरल आलोचना करिबा एवं पार्ट नंबर थ्री रे हमें कौन आलोचना करिबा पार्ट नंबर थ्री सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आर्ट आर्किटेक्चर जिते भी पॉइंट गुड़िक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह हमें आलोचना करिबा पार्ट नंबर थ्री रे। तो यह जो गंगा डायनेस्टी सरला आलोचना करिबा सूर्यवंशी डायनेस्टी और तापर आम सिलेबस को प्रतिदिन गढ़ाइबाक चेष्टा करिबा। सो माय डियर स्टूडेंट्स चला सुना करवा आज भिडियो जो मैंने चैनल को नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और जो मैंने एपर्तंत जान चैनल रेगुलर भिडियो आसमें से सेयार कले कि असुविधा हेब ना। देखु कौन रोज फास्ट पॉइंट जो अनंग भीमदेव थार्ड अनंग भीमदेव थार्ड किए ना राजराज थार्ड मृत्यु पर सुपुत्र अनंग भीमदेव थार्ड सिंहासन आरोहण करते केवे आरंभ करते हि आसेन द गंग थ्रोन इन 1211 एडी 1211 से सिंहासन आरोहण करते 1238 से मृत्युवरण करते किए अनंग भीमदेव थार्ड। जितेबाला अनंग भीमदेव थार्ड ओडिशा रे शासन करते तो दिल्ली शासक किए थे इल्तुतमिश। ओके सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर राजराज थार्ड बापा मृत्यु पर राजराज थार्ड मृत्यु पर अनंग भीमदेव थार्ड सिंहासन आरोहण करते। ओके तो सेकंड पॉइंट इज दैट अनंग भीमदेव थार्ड हैड टू फेस अग्रेसिव मार्च ऑफ द मुस्लिम आर्मी ऑफ बंगाल अंडर द कमांड ऑफ गियासुद्दीन ईवान। ता माने कौन बुझन जिते बड़े अनंग भीमदेव थार्ड ओडिशा शासन करुते से बंगाल शासक जे थे मुस्लिम शासक गवर्नर शासन करुते सी कौन कले ओडिशा पर अधिकार करने गियासुद्दीन ईवान को पठाई थे कि कौन है ना चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन ऑफ अनंग भीमदेव थार्ड तो चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन अच्छी अनंग भीमदेव थार्डर से जना पड़े जे रेफर दैट डिफीट ऑफ मुस्लिम गवर्नर आट ब्राह्मण मिनिस्टर विष्णु ऑफ अनंग भीमदेव थार्ड। जिते बड़े बेंगलोर जो मुस्लिम आर्मी थे मुस्लिम शासक मैंने शासन करुते गियासुद्दीन ईवान कौन जो ओडिशा अटाक कले अनंग भीमदेव थार्ड कौन कले जी ब्राह्मण मिनिस्टर थे विष्णु ताको पठाई थे युद्ध करने ब्राह्मण मिनिस्टर जे विष्णु थे कौन करते ना गियासुद्दीन ईवान को परास्त करते चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन में मेनसन अच्छी। ओके ये गला तुम वार होती बेंगल सेकंड एतिक हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत बहुत गुड़ा लिखा है एतिक हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या सहित युद्ध होता है ब्राह्मण मिनिस्टर किए थे और बेंगलर मुस्लिम कमांडर किए थे ये क्वेश्चन आसपे। नेक्स्ट हूँ कौन कालाचुरी मान सहित युद्ध गंग मान द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गंग सिंस द डेज ऑफ चोड़गंगादेव एंड कालाचुरी केम टू एन एंड चोड़गंगादेव समय जो सोनपुर आउ जो एरिया को कैप्चर करने जो कालाचुरी मैंने से एरिया शासन करुते सहित जो युद्ध होता चोड़गंगादेव सहित से एपर्त कंटिन्यू चलूला कितु कौन होता है अनंग भीमदेव तृतीय समय यही जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्टा एंड होता। देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छे द मेन कजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गंग रूलर विथ कालाचुरी वाज द पोसेशन ऑफ सोनपुर एरिया। सोनपुर एरिया को अधिकार करने गंग एवं कालाचुरी के मध्य थिला मुख्य कारण जो कौन होता सब युद्ध होता। देखो कौ इंस्क्रिप्शन लिखाई ना द चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब दैट विष्णु द ब्राह्मणी मिनिस्टर ऑफ अनंग भीमदेव थार्ड डिफीट द किंग ऑफ तुमाना ऑन द बैंक रिवर ऑफ भीम कौन जो तुमाना थिला कालाचुरी मान जो कैपिटल थिला तो तार जे राजा थिले से कौन करते परास्त करते किए ब्राह्मण मिनिस्टर जे थिले अनंग भीमदेव थार्ड विष्णु कौ इंस्क्रिप्शन मेंशन अच्छी ना चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन मेंशन अच्छे एक कथा ब्राह्मण मिनिस्टर विष्णु जे थिले से कालाचुरी रूलर रूलर जे शासन करुते तुमाना कैपिटल थिला तो ताकते कौन करते विजय लाभ करते मेंशन अच्छे कौटना चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन में कौट डिफिट करते रिवर भीम आट द स्क्रीट ऑफ विंध्य हिल एंड ऑन द सी शोर जो भीम रिवर पाखे परास्त करते भीम रिवर विंध्य हिल पाखे से परास्त करते कालाचुरी मान को चेतेश्वर इंस्क्रिप्शन मेंशन अच्छे। ओके नेक्स्ट पॉइंट देख जे अनंग भीमदेव थार्ड चाहूँ मुझे जो विजय लाभ कली
ପୁଣି କାଳାତୁରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିକ୍ ଥିବୁ ସିଏ ପୁଣି ଆଟାକ୍ କରିବେ। ତ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯଦି କୌଣସି ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହୁଏ ତାହେଲେ କୌଣସି କାଳାତୁରି ରୁଲର ବା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଅଛି, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କେବେ ମୁଁ ଆଟାକ୍ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଦ ସିମେଣ୍ଟ ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ୱିଥ୍ କାଳାଚୁରୀ, ସୋ ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ଡଟର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦ ଟୁ ଦ ଭାଇଲାଣ୍ଡ କାଳାଚୁରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ପରମାତ୍ରୀ ଦେବ। ଯେଉଁ କାଳାଚୁରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲା ପରମାତ୍ରୀ ଦେବ, ଚୋଡ଼ଙ୍ଗ ଦେବ, ସରି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା, ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଲେ ବିବାହ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କାହା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ପରମାତ୍ରୀ ଦେବ। ପରମାତ୍ରୀ ଦେବ କିଏ, ଯେ କାଳାଚୁରୀ ରୁଲର। ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କେବେ ତାଙ୍କ ଶାସକମାନେ ଯେହେତୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଝିଅ ଦେଇଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ, ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲେ କିଏ, ତୁମର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼, ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ସୋ ବାଏ ଦିସ୍ ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ଏଣ୍ଡେଡ଼ ଦ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରିଭେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଟ୍ରେଡ଼ ବିଟୁଇନ୍ ଦ କାଳାଚୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲିଆନ୍ସ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ଯିଏ ଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଝିଅ, ଏବଂ ପରମାତ୍ରୀ ଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ କାଳାଚୁରୀ ପ୍ରିନ୍ସ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କାଳାଚୁରୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହି ମାର୍ଚ୍ଚଡ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆର୍ମି ଓଭର୍ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀନଗରମ୍। ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ୱିକ୍ ହେଇପଡ଼ିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଚୋଳ ଏବଂ କାକତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଚୋଳ ଏବଂ କାକତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ହେଲା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଆଉ ଶ୍ରୀନଗରମ୍। ଯେତେବେଳେ କାକତୀୟ ରୁଲର ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ, ଗଣପତି। ଓକେ, ତ କାକତୀୟ ରୁଲର ଏବଂ ଚୋଡ଼ରୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଲା, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ କି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଆଉ ଶ୍ରୀନଗରମ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆମ୍ପୁଲ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଲାରନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଯେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍କୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନା, ଆଲାରନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଓକେ, ଅଲାରନାଥ କି ଆଲାରନାଥ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଛି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲାରନାଥ ବୋଲି, ତ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ। ଯଦି ଟିକିଏ ଭୁଲ ଭାଲ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେମ୍ ଟିକିଏ ଭୁଲ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ସୋ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଲାରନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଅଫ୍ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ହୋୟାର ସୋମାରା ଦେବୀ ମହାଦେବୀ ଦ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଏ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ସାଉଥ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ ଯଦି କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କରିବେ ସେ ଏରିଆକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସେଠି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍କୁ କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀନଗରମ୍ରେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୋମାଲା ଦେବୀ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ବାଇ ଦିସ୍ କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର କ୍ରସ୍ ଦ ରିଭର୍ ଅଫ୍ ଗୋଦାବରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଏହି କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଜୟ କଲା ପରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସୀମା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ 1230 AD। ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ କେବେ, ନା 1230 AD ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। କା ସମୟରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦ ଆଲାରନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର ଟୁ ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ। ତେ କେଉଁଠି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠୁ କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ କିଏ ନା, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠୁ, କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ, ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କଟକ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତା କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ନା, ଆଲାରନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏକଥା ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଏ କହୁଥିଲେ ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ, ବିକଜ୍
हि नेम इट आफ्टर वाराणसी जो साक्रेट हिंदू मान साक्रेट प्लेस वाराणसी तो सी यही ना जगार नाम देते वाराणसी द साक्रेट प्लेस फर पिलग्रिम ऑफ हिंदू से जो हिंदू मैंने जो तुम्हें जानते ना काशी वाराणसी कहते तो से वाराणसी नाम अनुसार गोटे साक्रेट प्लेस नाम अनुसार ये तार नाम देते अभिनव वाराणसी कटक। नेक्स्ट पॉइंट कौन रोज देख द सेम इनस्क्रिप्शन डेप्सिट्स दैट अनंग भीमदेव डेडिकेटेड हिज फास्ट एम्पायर टू पुरुषोत्तम कौ इनस्क्रिप्शन मेनसन अच्छी जो अनंग भीमदेव थार्ड सबुजाक एम्पायर को क्या भगवान उत्सर्गीकृत करते मेनसन अच्छी से ही आलानाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन में एक मेनसन अच्छे आलानाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन के मेनसन अच्छे पचार दे पारे तो भले भाग नोट कर दि तो जगन्नाथ हु बिकेम इज मास्टर एंड एम्परर बिंग इज राउतर डेपुटी से निजक डेपुटी कहते सेवक कहते कौ इनस्क्रिप्शन में ना आलानाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन में से विश्वास कराए यू टू स्टार्ट छेड़ापणा सिस्टम बोली सेवक हिसाब से मेनसन के मैंने कहते। नेक्स्ट पॉइंट देख द अनंग भीमदेव थार्ड वाज अल्सो ए ग्रेट बिल्डर से मतलब जो स्थपति थे तो द मादलापांजी अनुसार कौन दिया गिव हिम क्रेडिट टू द कंप्लीट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी से जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी अच्छी करते मादलापांजी में मेनसन अच्छे कंप्लीट करते शेष करते। नेक्स्ट पॉइंट देख तो चेतेश्वर शिव टेम्पल जो अच्छी भुवनेश्वर ठार तो चेतेश्वर शिव टेम्पल सरी भूल कहली तो चेतेश्वर जो भुवनेश्वर नुसार किशोरपुर ठार अच्छी तो चेते किशनपुर ठार तो चेतेश्वर शिव टेम्पल वाज बिल्ड बाय विष्णु विष्णु किए तो ब्राह्मण मिनिस्टर थे जे ओके जे परास्त करते गियासुद्दीन एयर को एवं जो जिते बड़े आटाक करते तुम कालाचुरी मानक से परास्त करते किए ब्राह्मण मिनिस्टर तो से ही जो ब्राह्मण मिनिस्टर थे विष्णु से कौन करते चेतेश्वर शिव टेम्पल तैयार करते कौटी ना आर्ट ऑफ किशनपुर ठार सो ए विलेज सिचुएटेड अराउंड द मिडल बिटवीन कटक एंड केन्द्रापड़ा मैंने कटक केन्द्रापड़ा आसला समय तो किशोरपुर अच्छी से किशोरपुर ठार तुम देखिए कौन हो से किशनपुर ठार तुम अच्छी गोटे चेतेश्वर शिव टेम्पल ताको ब्राह्मण मिनिस्टर विष्णु किए थे ब्राह्मण कार्य अनंग भीमदेव थार्ड फल तैयारी करते थार्ड हाउ देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द डाकरा भीमेश्वर टेम्पल द डाकरा भीमेश्वर टेम्पल अल्सो नोन आज कौन वैभवेश्वर टेम्पल डाकरा भीमेश्वर टेम्पल को अन्य क्यों नाम जानती ना वैभवेश्वर टेम्पल हिसाब से जानती सिचुएटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द ईस्टर्न गेट ऑफ द कंपाउंड ऑफ लिंगराज टेम्पल इज अल्सो ए माउंटेन ऑफ हिज मॉन्यूमेंट ऑफ हिज टाइम कौन हो ना यही समय जो डाकरा भुवने भीमेश्वर टेम्पल अच्छी आम कौ जानती वैभवेश्वर मंदिर हिसाब से जानती तो यहाँ केवे या ना यहाँ मध्य अनंग भीमदेव थार समय या मेनसन है। दे नेक्स्ट पॉइंट कौन रोच ए स्मल टेम्पल नेम अनंतेश्वर सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ लिंगराज अनंतेश्वर टेम्पल जो अच्छी से मध्य समय या जो तीन टा इमेज अच्छी स्टोन इमेज बलराम सुभद्रा एंड कृष्णा इमेज वर इनस्टल्ड से मध्य समय इनस्टल्ड इन द कंपाउंड ऑफ द लिंगराज टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनंग भीमदेव थार्ड अनंग भीमदेव थार्ड समय जो टेम्पल अच्छी टेम्पल जो कौ टेम्पल तुम अनंतेश्वर टेम्पल जो अच्छी तरह जो तीन टा मूर्ति अच्छी कौ मूर्ति बलराम सुभद्रांकर ओके आउ क्या आज जो कृष्णा जो मूर्ति अच्छे से समय अनंग भीमदेव थार्ड समय मेनसन होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द चंद्रिका देवी किए तो अल्सो बिल्ड द अनंत वासुदेव टेम्पल आट भुवनेश्वर चंद्रिका देवी किए जी अनंग भीमदेव थार्ड झील जे परमाद्र देव को बाहरी परमाद्र देव किए जे कालाचुरी प्रिंस थे तो चंद्रिका देवी जी थे से कौन करते बिल्ड द अनंत वासुदेव टेम्पल से कौन करते ना अनंत वासुदेव टेम्पल तैयारी करते कौटी आट भुवनेश्वर ड्यूरिंग द रेन ऑफ भानुदेव फास्ट भानुदेव फास्ट समय से कौन करते ना अनंत वासुदेव टेम्पल तैयारी करते चंद्रिका देवी किए चंद्रिका देवी हो अनंत जो आम अनंग भीमदेव थार्ड झील क्या समय से मंदिर तैयारी करते अनंत वासुदेव टेम्पल ना भानुदेव फास्ट समय से अनंत वासुदेव टेम्पल को तैयारी करते। नेक्स्ट पॉइंट देख द दरकाश्रम इनस्क्रिप्शन दरकाश्रम इनस्क्रिप्शन ऑफ 1216 डिक्लेयर हिम एज द डेप्युटी पुरुषोत्तम जो आम आलानाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन मेनसन अच्छी दरकाश्रम इनस्क्रिप्शन जो 1216 मेनसन अच्छी से मध्य डेप्युटी थे किए अनंग थार्ड डेप्युटी थे कह महाप्रभु जगन्नाथ बोली।
आउ कार रुद्र आंड दुर्गांकर से डेपुटी बोली मेंशन करते कौटी ना दरकाश्रम इनस्क्रिप्शन के 1216। नेक्स्ट पॉइंट देख द नागरी प्लेट इनस्क्रिप्शन क्रेडिट हिम अफ सेलिब्रेटिंग हिम हिरण्य गर्भा महादान आंड तुला पुरुष महादान जे कौ प्लेट्रे मेनसन अच्छी जो सी हिरण्य गर्भा महादान बोली एवं तुला पुरुष महादान बोली ना नागरी प्लेट इनस्क्रिप्शन एक मेनसन अच्छी ओके क्या ना अन्ना भीम देवता हिरण्य गर्भा महादान तुला पुरुष महादान बोली कह जाए कौट मेनसन अच्छी ना नागरी प्लेट्रे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन हो द मादलापांजी रिबेल्स दैट ही अंडरटुक द ग्रेट वर्क ऑफ लैंड सेटलमेंट मादलापांजी मेंशन अच्छी से टोटाली लैंड सेटलमेंट को करते इन द होल ओडिशा विथ द हेल्प ऑफ हिज रेवेन्यू मिनिस्टर दामोदर बड़पंडा एंड ईशान पटनायक जे अनंग भीम देव थार्ड मादलापांजी मेंशन अच्छी जे कोर्ट मेंशन अच्छी से लैंड सेटलमेंट होल ऑफ ओडिशा करते ना मादलापांजी मेंशन अच्छी से समय रेवेन्यू मिनिस्टर किए थे दामोदर बड़पंडा आउ ईशान पटनायक सहायता। नेक्स्ट पॉइंट द टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग द रेन अमाउंटेड 4 crores एंड 43 lakhs ऑफ टैंक पखापाखि 4 crore 4,43,00,000 टंका कलेक्शन होता मेनसन अच्छी ओके। नेक्स्ट द लैंड रेवेन्यू दस कलेक्टेड व्वाज स्पेड डेफिनेटली फर द वेलफेयर अफ हिज पीपुल लोक मान भलपाई पैसा टी स्प्रेड होता तो बर्तमान देखा जो लिंगराज मंदिर में से कौन करते किए अनंग भीम देव थार्ड ए लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन जना जाए जे कौन करते डोनेटिव 5 batika 5ta batika उद्यान से कौन करते डोनेट करते कहीं टू लैंड टू ए पोटेर फर रिपेयरिंग रोप फंड मंडप जो कत मंडप फंडप भांगी जा जन को देते पोटेर को तुम तक निर्माण कर पुनर्निर्माण कर 5ta batika तार प्राप्य स्वरूप तुमको दिगला मेनसन कौट मेनसन अच्छी ना लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन मेनसन अच्छे आउ कौन करते एवरी 12 years प्रति 12 वर्ष जहाँ भी लिंगराज मंदिर किसी भी कौन अच्छी रोप आंड मंडप भांगा तुम निर्माण कर प्रतिबद्ध तुम कौन नब 5ta batika आउ कौन अच्छी ना 2 batika लैंड वेयर गिवेन टू ए स्मॉल मेकर फॉर व्हाइट वाशिंग द वॉल ऑफ द मंडप जो मंडप अच्छी मंडप को वर्ष को थे कौन कर ताको व्हाइट वाश करने तुमको 2ta batika जन को देते सी आउ कौन करते 1 batika ऑफ लैंड वाज गिवेन टू स्वीपर फॉर स्वीपिंग द मंडप 3 times a day गोटे दिन तीन थर लिंगराज मंदिर को सफा सुतरा रखापी परिष्कार परिचन्न रखापी से मध्य गोटे 1 batika देते गोटे स्वीपर को झाड़दार को तुम यह नि 1 batika नि निजे उपभोग कर महाप्रभु को जो सब कम तुमको दिगला कर 1 batika डोनेट करते किए अनंग भीम देव थार्ड। बर्तमान पढ़ा नरसिंहदेव फास्ट बा प्रथम नरसिंहदेव तो नरसिंहदेव थार्ड को समय सीमा के ना जो बापा मरीगले अनंग भीम देव थार्ड 1238 मसीह सिंहासन आरोहण कले से मृत्युवरण करते 1264 ख्रीष्टाब्दे द फर द फास्ट टाइम हि बोर्ड द टाइटल अफ गजपति मन रखी था कौ गंगवन मन रखता तुम भावुव सूर्यवंशी शासक मैंने गजपति टाइटल ग्रहण करते ना एक्चुअली एट स्टार्ट तुम गंग पीरियड्रु ओके तो फर द फास्ट टाइम गजपति टाइटल को किए आते ग्रहण करते नरसिंहदेव फास्ट फर इज फास्ट प्रोसेसन अफ एलिफेन्ट जो आर्मी थी से आर्मी से बहुत संख्यार एलिफेन्ट व्यवहार करुवर गजपति टाइटल से ग्रहण करते सो एंड दिस टाइटल वाज ग्रोन बाय लेटर गांव रूलर अकेजनाली कितु परवर्त अवस्था जो रूलर मैंने अल्प अल्प संख्यार व्यवहार कले कि सूर्यवंशी गजपति मैंने जो सूर्यवंशी शासक मैंने से कौन कले अधिक पपुलार करते भूल धारणा से सूर्यवंशी मैंने यहाँ स्टार्ट करते ना यहाँ स्टार्ट करते गंगवंशी मैं पर्टिकुलाली नरसिंहदेव फास्ट देन देख तक समय आउ गोटे इंपोर्टेंट वर्क कौन सन टेम्पल कोणार्क जो कोणार्क सूर्य मंदिर अच्छी यही लांगुला नरसिंहदेव तैयारी करते मैग्निफिसेंट क्रिएशन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर दैट ब्रॉट नरसिंहदेव इमोर्टल फेम तांकर यही अमूलान कृति से मध्य पूरापल्ली में ओडिशा पूरापल्ली में भारत पूरापल्ली में चर्चित। नेक्स्ट पॉइंट ही वाज पॉपुलरली नोन एज लांगुला नरसिंह लांगुला नरसिंहदेव कहीं कह जाए बिकज कहीं व्वेन बिकज कहीं जो से कौन करती हिज जो चलती हिज रॉयल रोप
टच द ग्राउंड लाइक ए टेल व्हेन ही मूव जोबले सी गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाती जो राजकीय पोशाक गुड़िकर जो राजकीय पोशाक गुड़ा से कौन होता लांगुड़ भाई लंबू थवे लांगुड़ा नरसिंहदेव बोली संबोधन करते ओके नेक्स्ट पॉइंट देखा जे तर बेंगल सहित कौन कनफ्लिक्ट कार गोटे लंग कनफ्लिक्ट नरसिंहदेव फास्ट कर बेंगल सहित देखा से कौ मैंने बेंगल पर शासन करुते जे तुग्रिल और तुघान खान जे कि 1233 रु 1246 मध्ये शासन करुते बेंगल पर ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बेंगल थे आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजिशन नरसिंहदेव मार्च विथ हिज ग्रांड आर्मी एडेड बाय परमाज्य देव इज ब्रदर इन लॉ टुवर्ड्स बेंगल इन 1234 1234 से कौन कले जो परमाद्री देव थे चंद्रिका देवी हजबैंड सहित से कौन करते अटाक करते क्या परमाद्री देव जो पावरफुल कमांडर थे क्या भय करूँ सहायता से नरसिंहदेव कौन कले बेंगल पर अटाक करते इन 1244 तुग्रिल और तुघान खान रिटायर टू लखनौती बाध्य होते लखनौती छाड़ी पलैवाई तुग्रिल खान बा तुघान खान ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ लाइफ को बचेवाई हिज रूल ओवर राधा केम टू एन एंड जितेबाला नरसिंहदेव फास्ट अटाक कले से राधा देश जो शासन था तुग्रिल खान पतन घटे नेक्स्ट पॉइंट देव कौन रोच द विक्ट्री ऑफ नरसिंहदेव फास्ट ओवर टू मुस्लिम आर्मी हाज बीन डिस्क्राइब इन द अनंत वासुदेव टेम्पल इंस्क्रिप्शन कौ इंस्क्रिप्शन मेंशन अच्छी नरसिंहदेव फास्ट विजय लाभ करते जो तुग्रिल खान बा तुघन खान पर अनंत वासुदेव टेम्पल मेंशन अच्छी नेक्स्ट पॉइंट इन द कपिलास इंस्क्रिप्शन कौन मेंशन अच्छी इन द कपिलास इंस्क्रिप्शन ही डिक्लेयर्ड दैट ही ब्रॉट द मुस्लिम टू देयर नी एट द कमांड ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ जे मुस्लिम मानक कौन लिखाई कौन मुस्लिम टू देयर नीज एट द कमांड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कमांड रे से मुस्लिम मानक नी पे नहीं आसते बोली ओके ओके आंठु पाखक आम तो एक कौट मेनसन अच्छी एक मेनसन अच्छी कपिलास इंस्क्रिप्शन मेनसन अच्छी ओके जो मुस्लिम जी शासक थे किए तुग्रिल खान को मैंने से गोटे कही कथा छोड़े ओके कौट मेनसन अच्छी कपिलास इंस्क्रिप्शन नेक्स्ट पॉइंट बलबन द एबुलस सन ऑफ दिल्ली बलबन जे थे दिल्ली एबुलस सन थे अपॉइंटेड इख्तियारुद्दीन उज्बेक आट द गवर्नर अफ लखनऊ जितेबाला तुग्रिल खान मैंने फेल मारे से कौन कले ना युजुबेक को अपॉइंट कले ओके कौटी ना बेंगल पर तो एगेन नरसिंह जितेबाला शुणिले तुग्रिल खान गला पर युजुबेक आरसिंहदेव एगेन अटाक कले सो एगेन नरसिंहदेव क्रांड अन इज आर्म अफ टू बेंगल मीनाज तबाकती नासी इनफर्म दैट फोर बैटल ओवर फोर बिटवीन युजुबेक एंड नरसिंह फ्रम 1247 टू 1256 जे जो मीनार जो सिराज तबाकती नासिक अच्छी तबाकती नासिक लिखा जाए नहीं स्पेलिंग भूल अच्छी तो तबाकती नासी रे मेंशन या अच्छी युजुबेक और नरसिंहदेव चार्टा युद्ध होता के 1247 नहीं कि 1256 मध्य जेहेतु बुझे बुझे पढ़ा जाए समय लगुव सहित शुण गोटे तुम टोटाल कनसेप्ट क्लीयर हो देन अगेन द लीडर ऑफ दिस बैटल फ्रॉम द साइड ऑफ ओडिशन आर्मी वाज परमाद्री देव हुम मीनाज मेंशन सबांतर जे मीनाज सिराज को कौन करमाद्री देव को सबांतर बोली मेंशन कर जहाँ भी हूँ चार्टा बैटल होता यहाँ मत मन रखी था परमाद्री देव यो युजुबेक सहित जितेबाला युद्ध होता से मृत्युवरण करते जोटा कि अनंत जो नरसिंहदेव फास्ट कम गोटे ह्यूज लॉस था तो लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू ए स्ट्रगल व्हिच टुक प्लेस बिटवीन गणपति एंड नरसिंह जो काकती शासक थी गणपति सहित नरसिंहदेव गोटे फाइट होता बोली मेनसन अच्छी कौटी ना लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन द फ्रिक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन द टू किंग बारंबार जो दुई जन स्ट्रगल है नरसिंहदेव और गणपति मध्य नरसिंह मस्ट हाव इनफ्लिक्टेड ए क्रसींग डिफिट अफ गणपति नरसिंहदेव कौन करते ना काकतीय रूलर गणपति को परास्त करते मेनसन अच्छी ओके लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन हि कन्स्ट्रक्टेड ए मोनास्ट्री कॉल्ड सदाशिव मठ इन द एकामर क्षेत्र भुवनेश्वर नरसिंहदेव कौन करते गोटे मोनास्ट्री तैयारी करते कौटी भुवनेश्वर ना कौन देते सदाशिव मठ देखा आउ कौन इंपोर्टेंट वर्क समय होता
नरसिंहदेव फास्ट वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर से जन पृष्ठपोषक करुले। ओके विद्याधर जी थे कोर्ट पोएट मन रखा नरसिंहदेव कोर्ट पोएट किए थे विद्याधर इज कोर्ट पोएट कंपोज इज फेमस अलंकार एकावली। एकावली की रचना करते विद्याधर। विद्याधर कार कोर्ट पोएट थे नरसिंहदेव फास्ट कोर्ट पोएट थे। व्हिच डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ नरसिंहदेव फास्ट कोर्ट जोटा कि कौन क्या अचीवमेंट ऑफ नरसिंहदेव फास्ट अचीवमेंट को डिस्क्राइब करुच्छी। ओके नरसिंहदेव कोर्ट विजय लाभ करते कौटी युद्ध युद्ध करते सब विषय कोर्ट मेनसन अच्छी एकावली। एकावली किए लिखते तुम विद्याधर। विद्याधर किए ना नरसिंहदेव फास्ट कोर्ट पोएट राजकवि। नेक्स्ट पॉइंट कपिलास इंस्क्रिप्शन टर्म्स हिज हिम श्रीगुप्त पुत्र श्री दुर्गा पुत्र। कौ इंस्क्रिप्शन मेनसन अच्छे नरसिंहदेव दुर्गा पुत्र बोली श्री दुर्गा पुत्र कपिलास इंस्क्रिप्शन। ओके देन श्री पुरुषोत्तम पुत्र एंड डिवोटी ऑफ गॉड महेश्वर। ये सब कथा कौट मेनसन अच्छी श्री दुर्गा पुत्र श्री पुरुषोत्तम पुत्र गॉड ऑफ महेश गॉड डिवोटी टू गॉड महेश्वर। ओके ये कौट मेनसन अच्छे ना कपिलास इंस्क्रिप्शन। द एकावली क्राउन हिम विद द टाइटल भवा नानी उल्लभा। तो एकावली तुम कौ क्राउन देची। ओके ना भवा नानी उल्लभा टाइटल क्या दिखाई ना नरसिंहदेव फास्ट कौटी ना एकावली। ओके एकावल क्राउन सब भूल कही एकावली कही एकावली हम एकावली वर्क जो लिखते विद्याधर। ओके नेक्स्ट पॉइंट द लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन। ओके लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन क्रेडिट हिम विद द टाइटल वीर नर केशरी एंड धराधिपा। यहाँ कौट मेनसन अच्छी जे लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन मेनसन अच्छे नरसिंहदेव को कौन कह जाए वीर नर केशरी धराधिपा। द कपिलास इंस्क्रिप्शन एंटाइटेड हिम एज गजपति। गजपति टाइटल कौट मेनसन अच्छे से गजपति टाइटल ग्रहण करते कपिलास इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट रियली ही वाज वर्थी ऑफ सच टाइटल हिज ग्लोरियस रूल केम टू एन एंड इन 1264। ओके तांकर जो ग्लोरियस रूल टा केबे एंड हेतिला ना 1264। नेक्स्ट पॉइंट पढ़वा भानुदेव फास्ट जे नरसिंहदेव का मृत्यु पर भानुदेव फास्ट सिंहासन आरोहण करते। भानुदेव फास्ट समय सीना के 1264 मसीह सिंहासन आरोहण कले 1279 ख्रीष्टाब्द से मृत्युवरण करते। तो भानुदेव फास्ट सक्सेडेड टू हिज फादर नरसिंहदेव बर्न फ्रम हिज क्वीन सीतादेवी। तो नरसिंहदेव जो वाइफ थी सीतादेवी सीतादेवी जन्म होते किए भानुदेव फास्ट। भानुदेव फास्ट किए नरसिंहदेव पुओ। नरसिंहदेव फास्ट मृत्यु पर से सिंहासन आरोहण करते के 1264। बेले क्वेश्चन पचारदेव रूलर मान को क्रोनोलोजिकल देव सजाइबा क्या सजाइब। नेक्स्ट पॉइंट युजुवक द गवर्नर ऑफ बेंगल मार्च आज पर जाजनगर जाजपुर ऑन अराउंड 1275। 1275 मेल को जो युजुवक थे से कौन करते अटाक करते कौटा को तुम जाजपुर पर्यटन माड़ी आसते विश्वास करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देख द कमिंग ऑफ नरहरि तीर्थ। नरहरि तीर्थ मध्य ये थे ये समय से आसते जे कि दैत्य फिलोसफी दैत्य वेदांतिक फिलोसफी कहते नरहरि तीर्थ से क्या समय आसते भानुदेव फास्ट समय से ओडिशा आसते विश्वास करा जाए। तो एंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज इमेज ऑफ राम एंड सीता फ्रॉम भानुदेव फास्ट सजेस्ट दैट द वर्शिप ऑफ सीताराम बिगन ड्यूरिंग हिज रेन पीरियड। से कौन करते राम एवं सीता को जो पूजा करुले जो राम सीता वर्शिप जो थी ओडिशा नरहरि तीर्थ पूजा करुले तो से प्रमाण मिलूँ। ड्यूरिंग हिज रेन चंद्रिका देवी मन पका मल्ली कही चंद्रिका देवी जी थी तुम अनंत अनंग भीमदेव छाड़कर झील से आंख समय तैयारी करते कौटा अनंत वासुदेव टेम्पुल। ओके से समय कौन करते चंद्रिका देवी जी कौन करते ना अनंत वासुदेव टेम्पुल तैयारी करते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन हो पैट्रोनाइज। ओके श्रोतिया ब्राह्मणी एंड डोनेटेड लैंड विथ हाउस एंड गार्डेन्स टू देन। से कौन करते क्या पैट्रोनाइज करते श्रोतिया ब्राह्मण मान से कौन करते ना पैट्रोनाइज पृष्ठपोषकता करते से कौन करते घर गार्डेन दान देते। तो ये नरसिंह भानुदेव फास्ट समय इंपोर्टेंट कथा एक्चुअली तेनटा रोचे अधिक इंपोर्टेंट गंगड़ानिष्ट जन हो चोड़ गंगदेव जन हूँ अनंग भीमदेव थार्ड आउ जन हो नरसिंहदेव फास्ट बाकी सब उलर मान इंपोर्टेंट बट लेस इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पढ़वा दे नरसिंहदेव सेकेंड समय सीमा के 1278-1306।
ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ ମନେ ପକାଇଦେବ ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ। ତ ନରସିଂହଦେବ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ ଭାଣୁଦେବ ଫାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରହରି ତୀର୍ଥ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ରିଜେଣ୍ଟ ଫର୍ ବେବି ଫର୍ 12 ଇୟର୍ସ। ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଯିଏ ଥିଲେ ସୀତାରାମ ୱର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି। ଭାଣୁଦେବ ଫାଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନସିପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନରହରି ତୀର୍ଥ। କାରଣ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ହି ବୋର୍ଡ ଦ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ଟାଇଟେଲ୍ ଲାଇକ୍ ବୀର ନରସିଂହଦେବ। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୀର ନରସିଂହଦେବ, ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ବୀର ନରସିଂହଦେବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରତାପ ବୀର ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବ, ଏସବୁ ଟାଇଟେଲ୍ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡ, ବୀର ନରସିଂହଦେବ, ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବ, ଦେନ୍ ପ୍ରତାପ ବୀର ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବ ବୋଲି ଟାଇଟେଲ୍ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡ। ହି ଅଲସୋ ପ୍ରଥମ ତୁଳା ପୁରୁଷଦାନ, ତୁଳା ପୁରୁଷଦାନ କିଏ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଶମ୍ଭୁକାର ବାଜପେୟୀ, ଶମ୍ଭୁକାଇ ବାଜପେୟୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ରାଇଟର, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଥିଲେ ମନକ୍ତ, କାହା ସମୟରେ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଉ କିଏ ନା ବିଦ୍ୟାକର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନିତ୍ୟଚାର ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଥିଲେ, କାହା ସମୟରେ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ନା କର୍ମାଦୀପିକା, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କର୍ମାଦୀପିକା ଆଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖଧର ସ୍ମୃତି ସମୁଚାର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ତୁମର ଲେଖିଥିଲେ କର୍ମାଦୀପିକା, ନିତ୍ୟଚାର ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଏସବୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଯିଏ ଥିଲେ ଶଙ୍ଖଧର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ସମୁଚାୟ। ବେଳେ ପଚାରିଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା କାହା ସମୟର, ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କ, ଏମାନେ ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପୋଏଟ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ ସବୁ ରଚନା ଆଜି ପଚାରିଦେବ, କିଏ ରଚନା କରୁଛ ପଚାରିଦେବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଭାନୁଦେବ କିଏ, ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟ ସୀମା କେତେ ଥିଲା ନା ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 1306 ସିଂହାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1328 ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେ ୱିଥ୍ ଦ ଆସେସନ୍ ଅଫ୍ ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ଦ ଏରା ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଂହାସନ କଲେ ସେବେଠୁ ଗଙ୍ଗଡ଼ ନିଷ୍ଠ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଓକେ, ତ ମୁଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହେଡ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ସବଜୁଡ଼ିଂ ୱାରାଙ୍ଗଲ ଇନ୍ 1323 AD। ଉଲୁଖାନ କିଏ, ଯେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଲେଟର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ, ହାଡ୍ ରେଡ୍ ଇନ୍ ଜାଜନଗର ଏରିଆ, ହୁ ଟୁକ୍ ଆୱେ 40 ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍, ପାଖାପାଖି 40 ଏଲିଫେଣ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ନା ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ। ତା'ପରେ ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡ, ନରସିଂହଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ୱିଥ୍ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡ, ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଂହାସନ କରି ବାପା ବଳେ ପୁଅ ସିଂହାସନ କରୁଥିଲା। ତ ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ପରେ ନରସିଂହଦେବ ଥାର୍ଡ ସିଂହାସନ କରିଥିଲେ। ତ ନରସିଂହଦେବ ଥାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସମୟ ସୀମା କେତେ, 1328 ସିଂହାସନ କଲେ, 1352 ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନରସିଂହଦେବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାନୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହାସନ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 1328। ସେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ୱିକ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟେକିଂ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ମୁସନୁରୀ ନାୟକ ଦ ରେଡ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ଦ ବେଲନାରେଜ୍ କାର୍ଭଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇନ୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଆନ୍ଧ୍ର ରିଜିଅନ୍। ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ମୁସନୁରୀ ନାୟକ ଯେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ରେଡ୍ଡି ଯେଉଁ ବେଲନାରେଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ର ରିଜନ୍ର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ନଭତ୍ତା ରେଡ୍ଡି ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରେଡ୍ଡି ରୁଲର ଫୋର୍ସଡ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗନ୍ ଆର୍ମି ଟୁ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ବର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ କ୍ରସିଂ ଅଫ୍ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ଦସ୍ ଦ ଗଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍ସ ଡିକ୍ଲାଇନ୍। ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା
यही समय जे अनहत रेडी थे पावरफुल रेडी से अटाक करते बाध्य करते गंगर आर्मी मानक कौन करने कलिंग जो अच्छी कौन बॉर्डर अच्छे बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने जहाँ धीरे धीरे कौन होता ना इस समय को नरसिंहदेव सेकेंड समय पूर्व अदूँ पड़े भानुदेव सेकेंड समय पूर्व जो मुझे नरसिंहदेव सेकेंड समय कौन धीरे 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 कौन होता ना एम्पायर डिक्लाइन होगा स्टार्ट होता तो वर्तमान पढ़ा कौन ना भानुदेव थार्ड देख मुझे अलरेडी पढ़ाई भानुदेव सेकेंड समय अटाक किए करते तुम मोहम्मद बिन तुगलक एवं मन रखित भानुदेव थार्ड समय किए अटाक करते फिरोज शाह तुगलक तो यह मत विश्वास कराए से जगन्नाथ मंदिर को अटाक करते विश्वास कराए ओके तो भानुदेव थार्ड तीन जन लोक को पठाई थे पांचज लोक को पठाई थे सहित नेगोसिएशन करने ओके जो से जाते बेंगल कैंपेन करके शुणिले कौ कथा जे ओडिशा प्रबल धन अच्छी गंग एम्पायर प्रबल धन अच्छे तेनालीर से पलि आसते ये अंचल को अटाक करने गला बाटे तो भानुदेव थार्ड मन रखा पचार दब क्या समय फिरोज तुगलक अटाक करते क्या समय मोहम्मद बिन तुगलक अटाक करते जो भानुदेव थार्ड थे समय सीमा थी 1352 से सिंहासन आरोप करते 1378 ख्रीटाब्द से मृत्युवरण करते नरसिंहदेव थार्ड का मृत्यु पर सिंहासन आरोप करते लेडीज सन भानुदेव टू आसे एंड द गंगोत्रन इन 1352 AD इलायस शाह जे थे बेंगल रूलर से कौन करते ना अटाक करते जाजनगर ये समय क्या समय इलायस शाह क्या समय कौ बेंगल रूलर अटाक करते क्वेश्चन पचार दूसरी तो कन्फ्यूज हम नहीं तो इलायस शाह जे थे से कौन करते अटाक करते कौटा ना तुम भानुदेव शाह समय ओडिशा अटाक करते ओके अफकोर्स नो टेरिटोरियल लॉस ऑफ द गंगो एम्पायर इज नोन फ्रॉम एनी सोर्स कौन से प्रकार कौन से राज्य व कौन से अंचल क्षति है ना मेंशन अच्छे एक कथा सो इन 1356 AD विजयनगर एम्पायर लॉन्च्ड ए अटैक ऑन द गंगो किंगडम अंडर द एबल कमांडर ऑफ संगम तम मैंने कौन हो विजयनगर एम्पायर जी थे कमांडर संगम तो विजयनगर एम्पायर क्या समय फास्ट टाइम अटाक करता जो ओडिशा को विश्वास कर दूसरे तो समय भानुदेव थार्ड समय क्या लीडरशिप संगम लीडरशिप ओके संगम लीडरशिप केवे ना 1356 द प्रिंसिपल इवेंट ये समय मुख्य इवेंट कौन थी ड्यूरींग इज रेन वाज द इनवाजन ऑफ दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मुझे अलरेडी कही ना फिरोज शाह तुगलक समय अटाक करते 1361 मसीह भानुदेव थार्ड का समय अटाक करते फिरोज शाह तुगलक भानुदेव सेकेंड का समय अटाक किए करते तुम मोहम्मद बिन तुगलक आपको भल भाव देखीद खातार द विजयनगर एम्पायर जादव किंग बुखारी और डेपुटेड इज न्यू फ्यू टू अटाक ओडिशा जो विजयनगर एम्पायर जी थे जादव किंग बुखारी से कौन करते जो कही ना से पठाई सांगम को पठाई अटाक करने डिफिटेड भानुदेव आंड अकुपायड द सदर्न टेरिटोरी ऑफ गंगो आंड गंगो टू विजयनगर से जो साउथ पार्ट थी गंगो एम्पायर नहीं विजयनगर एम्पायर पर्यंत जो बुखारी एम्पायर थे मैंने थे से पठाई थे अटाक करने नेक्स्ट पॉइंट किंग भानुदेव थार्ड स्टाइल्ड हिमसेल्फ से निजी कहते किए भानुदेव थार्ड श्री वीर प्रताप वीर भानुदेव आंड वीर सानी भानुदेव हि मेथड इज लास्ट इन 1370 AD 1378 ख्रीटाब्द से मृत्युवरण करते कौ कौ डाटे से पाते श्री वीर प्रताप वीर भानुदेव आउ वीर श्री भानुदेव वीरटा श्री हे वीर श्री भानुदेव तापर आसे किए ना नरसिंहदेव फोर्थ नरसिंहदेव फोर्थ को समय सीमा के 1378 1414 तो क्या कौडर आसुच्च कौडर समय सीमा के वर्ष शासन करते मत इंपोर्टेंस बेल पचारदेव रूल के शासन करते तो मिसाई दिए 1378 1414 के वर्ष होके तो द सन अफ भानुदेव थार्ड बॉर्न अपॉन हिज क्वीन हीरा देवी विथ द डेथ अफ भानुदेव थार्ड हिज सन नरसिंहदेव फोर्थ आसेन द गंगो थ्रोन इन 1370 AD भानुदेव थार्ड जो क्वीन थे हीरादेवी आग का राजा करते बाहर थे तो हीरादेवी जो जन्म होते सी थे किए नरसिंहदेव फोर्थ से कौन करते नरसिंहदेव फोर्थ सिंहासन आरोप करते के 1378 ख्रीटाब्द से समय कौन होता ना तो द रेडी रूलर किए रेडी रूलर कुमारगिरी कुमारगिरी जो थे रेडी रूलर से कौन करते ओडिशा इनवर्ट करते के 1390 ख्रीटाब्द क्या समय नरसिंहदेव फोर्थ समय पाखापाखि चिलिका से पलि आसते अब टू चिलिका लेक
मन पड़ जाए रेडी रूल का समय चिलिका लेक पड़ी आसते नरसिंहदेव प्रत्येक समय द मेन एम ऑफ रेडी किंग वाज ओनली टू थ्रेटन द गंग किंग गंग लक्ष्य कौन थी से कहीं आसते ना गंग रूलर मान धमकैवा भयभीत कराला रेडी रूलर मान लक्ष्य जो चिलिका मतलब मारी आसते नरसिंहदेव फोर्ट वाज ए पैटर्न ऑफ लिटरेचर से साहित्य पृष्ठपोषक करते किए नरसिंहदेव फोर्ट इज मिनिस्टर महापात्र कृष्ण नंद कंपोज द वर्क सहुद्रानंद किए कंपोज करते नरसिंहदेव फोर्थ घर जे मिनिस्टर थे किए महापात्र कृष्ण नंद से कौन कंपोज करते सहुद्रानंद नेक्स्ट पॉइंट ओके अनादर मिनिस्टर हो चंद्रशेखर द फादर ऑफ विश्वनाथ कविराज रोड पुष्पमाला पुष्पमाला किए लिखते चंद्रशेखर चंद्रशेखर किए द फादर ऑफ विश्वनाथ कविराज का समय नरसिंहदेव फोर्थ को समय लिखाई कौन पुष्पमाला आउ सहुद्रानंद पचार दबे बेले का समय कौ बुक लिखाई किए लिखी से राजा किए थे कौ डायनेस्टी समय बुक लिखाई पचार दे पाए तो भल नोट कर दि कौन प्रकार असुविधा हे ना नेक्स्ट पॉइंट नरसिंहदेव पांचटा मोल कही कि पूर्व आगुरी गोटे राजा दुईटा तीन टा चार पांचटा बाहर थे नरसिंहदेव पांचटा राणी थे पचार दब के बंग क्वीन के बंग रूलर पांचटा म्यारेज करते पांचटा वाइफ थी से होती किए नरसिंहदेव फोर्थ तो पचार दब बेले कौ एम किए नरसिंहदेव राणी ना जानते हैं राणी किए थे कहपर राणी किए ना राणी किए किए पांचटा राणी नीला उत्तमा पार्वती तारा आउ किए थे बिरजा महादेवी बिरजा महादेवी ओके सो ये पांच जन वाइफ एवं शेष रूल किए ना भानुदेव फोर्थ भानुदेव फोर्थ होती गंग राजवंशर शेष शासक समय सीमा के 1414 रु 1434 ओके तो यही समय रे दिल्ली में कौ राजवंश शासन करूला शेष रूल से कौ राजवंश दिल्ली शासन करूला से राजा किए थे मतलब पचार दे पारे क्वेश्चन तो कहीं भी कन्फ्यूज हम ना ओके भानुदेव फादर भानुदेव क्या पर सिंहासन करते नरसिंहदेव फोर्थ को पुओ थे भानुदेव भानुदेव फोर्थ कौन करते सिंहासन करते तो द मेन इवेंट समय मेन इवेंट कौन थी रेड्डी मान सहित जो युद्ध था समय मेन इवेंट और इस सहित मुस्लिम इनवाजन थी ओडिशा को ओके द मुस्लिम इनवाजन ऑफ ओडिशा एंड द सीज सीजर अफ थ्रोन बाय वेटरन मिनिस्टर कपिलेश्वर राउतराय ऑफ कपिलेन्द्र देव यह विश्वास कराए ये कपिलेन्द्र देव आप समय जो सिंहासन आरण करते बलपूर्वक भाव में विश्वास कराए से समय प्रिंसिपल इवेंट मुख्य इवेंट द चंद्रकला नाटिका ऑफ ए ग्रेट ओडिशन नाटिका ए ग्रेट ओडिशन पोएट विश्वनाथ कविराज गिव्स क्रेडिट टू भानुदेव फोर्थ विथ द कंक्वेस्ट ऑफ गौड़ किए कही भानुदेव फोर्थ गंग कंक्वेस्ट करते विश्वनाथ कविराज जे लिखते पुष्पमाला आउ किए ना चंद्रकला नाटिका दीज एवं तापर कौन हो देख हि टुक अफ द रयाल टाइटल भानुदेव फोर्थ कौ रयाल टाइटल ग्रहण करते श्रीवीर भानुदेव गजपति प्रताप वीर श्री निशांक भानुदेव ये सब टाइटल किए ग्रहण करते तुम भानुदेव फोर्थ ओके देन देख हुए केमी कौन तक पतन घटला साम्राज्य यह विश्वास कराए जे व्वेन हि व्वाज बिजी जितेबाद सीए बिजी थे इन सर्दर्न कैंपेन सर्दर्न कैंपेन जितेबाद से बिजी थे से कौन होता ना कपिलेश्वर राउतराय जे थे से कौन करते बलपूर्वक ट्रस्टेड मिनिस्टर थे विश्वास कराए जे कौट मेनसन अच्छी गंगा वंशान चरित्र एक मेनसन अच्छी जे जितेबाद सर्दर्न कैंपेन में व्यस्त थे भानुदेव फोर्थ से समय कपिलेश्वर राउतराय जे परवर्त अवस्था कपिलेन्द्र देव परिचित हेले से कौन करते सिंहासन आरोप करते बलपूर्वक भाव में ओके ब्राह्मणी असर्प बलपूर्वक भाव में सिंहासन आरोप करते थ्रो थ्रोन देयर बाय तो गंग रूल अपतन घटाला कौटे जापड़ती गंग वंशानु चरित्र नेक्स्ट पॉइंट टू फेमस संस्कृत स्कॉलर ओके योगीश्वर पात्र एंड विश्वनाथ कविराज वेर प्रोमिनेंट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ओके कौन ना दंडी पाभली एंड साहित्य दर्पण जो योगीश्वर पात्र कौन लिखते
दंडीपावली एवं विश्वनाथ कविराज जे पुष्पमाला लिखिते से मध्ये आउ गोटे पुस्तक लिखिते तुम भाणुदेव फोर्थ को समय साहित्य दर्पण देख कौन है मादला पांजी अनुसार म्याड भानु बोली कहुए मत भानुदेव कहुए कौट मेनसन अच्छी मादला पांजी ये गोटे क्वेश्चन अच्छे तुम्हारा गोटे क्वेश्चन पर देखा किए कहीपर जोबले साउथ कैंपेन में जाते किए भानुदेव फोर्थ तो सही समय कौन कले कपिलेश्वर राउत कपिलेन्द्र देव गंगवंश चरित्र मेनसन अच्छे सिंहासन आना कले गंग राजवंश पर सूर्य वंश गजपति शासन प्रतिष्ठा कले किंतु सेतबेले तो भानुदेव फोर्थ मर नथिले तो भानुदेव फोर्थ कौन कले मोर गोटे क्वेश्चन होती गोटे विराट क्वेश्चन जो भानुदेव फोर्थ से समय गोटे छोटिया पार्ट शासन करने को लगे ओके तो मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर से पार्ट से ओडिशा रो केउ पार्ट रे ईस्ट पार्ट वेस्ट पार्ट नॉर्थ पार्ट बा साउथ पार्ट रो शासन करने को लगे एवं जो छोटिया अंचल शासन कले से अंचल ना कौन मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर तो मैं स्टूडेंट्स आशा करूँ आज भिडियो आपको बहुत भल लगे जब भिडियो आपको बहुत भल लगी निश्चित भाव सब्सक्राइब करते लाइक करते कमेंट करते पाखे जो बेल आइकन तक बजाई दिखाँ जहाँफल कौन हम ना मो चैनल आसते पद नुआ ना भिडियो इनफर्मेशन आपने पारे रोचे देखा गोटे नुआ भिड।